हाय पवन जी, पता नहीं मुझे ये सब ये सोशल मीडिया पे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं आपकी फैन नहीं हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं सच में बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। एज डिफरेंस होगा, मुझे मैटर नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैं कैसे प्रे करूँ भगवान जी से? कौन सा ऐसा दिन है जब मैं प्रे नहीं करती हूँ कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिले? प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि वो वहाँ तक पहुँच जाए ये वीडियो। पवन के फैंस में गजब की दीवानगी उनके प्रति देखी जाती है। पवन के लिए आप ये कह सकते हैं कि भोजपुरी में सही मायने में अगर किसी के फैंस हैं, किसी के दीवाने हैं, तो वो पवन सिंह के हैं। क्या आम, क्या खास, क्या लड़के और क्या लड़कियां। जी हाँ, पवन के फैंस में लड़कियों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। आपको बता दें, पवन के पुदीना ए हसीना गाने पर 91,000 रील बने, जो कि अब तक का भोजपुरी का रिकॉर्ड है कि किसी एक गाने पर इतने रील बने हैं, यानी कि वीडियो बने हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने रील बनाया है तो लड़कियों और महिलाओं ने। लेकिन आज हम उनकी एक ऐसी फैन से आपको मिलवाने वाले हैं जो उनकी दीवानी ही नहीं बल्कि पवन सिंह से मिलने के लिए इतनी बेकरार है कि न जाने वो पवन के लिए क्या क्या कह जाती है वीडियोस में। आप खुद ही देख लीजिए। डोली बाराती कब घोड़ी हाथी लई बा ए हो पवन बड़ी करता मन बोला कही आले मम्मी बनईबा ए हो पवन बड़ी करता मन। देखिए, पवन सिंह से मिलने के लिए इस लड़की ने न जाने क्या क्या कह दिया और अब ये गुजारिश कर रही है कि ये वीडियो किसी तरह से पवन सिंह के पास पहुंच जाए और वो एक बार पवन सिंह से मिल ले। वैसे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब आरा आए थे पवन सिंह, तो अपने फैन से वो खूब मिले। कभी विकलांग फैन से मिले और उसकी मदद किए, तो कभी पेंटर, तो कभी टैटू वाले, तो कभी उनके घर पे 200 से लेके 300 जो भीड़ जुटती है उन फैन से मिले। तो कभी ऐसा फैन भी उनके सामने आया जिसने उनसे मिलने के लिए अपने हाथ की नसें तक काट ली। अब आप ऐसी दीवानगी को क्या कहेंगे। पवन हमेशा अपने फैन से ये गुजारिश करते रहते हैं कि मेरे लिए वो ऐसा कुछ ना करे क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे हर्ट करती। वैसे ये पहला मौका नहीं है कि पवन सिंह की दीवानी कोई लड़की इस कदर हरकत कर रही है। खुद पवन सिंह ने एक बार बताया था कि एक बार मैं कहीं शूटिंग करने गया और एक लड़की मेरे पास आई। उसने 500 का नोट दिया और कहा कि इस पे साइन कीजिए, और मैंने तब ये कह के मना कर दिया कि मैं नोट पर ऑटोग्राफ नहीं देता। तब उसने अपना हाथ मेरे सामने किया और मैंने सिग्नेचर किया। इतने में वो मुझे किस कर चली गई। मैं शर्मा गया और वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। तो आप इन सब चीज़ों को क्या कहेंगे, ऐसी दीवानगी को? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।